हेलो बच्चों, ठीक ठाक कर लिया सॉल्व? 5 क्वेश्चन तक तो हो गया था हमारा 3.3 में। आज हम लोग बात करते हैं 6 क्वेश्चन से। 6 क्वेश्चन यही प्रूव ही करना है आपको। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस नोटिफिकेशन में तो आ ही जाता होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हमें LHS में दे रखा है cos pi upon 4x cos pi upon 4 minus x into cos pi upon 4 minus y minus sin pi upon 4 minus x into sin pi upon 4 minus y। अब ये दे रखा है और इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें साइन एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू RHS में साइन एक्स प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना। बहुत ही आसान है। हम लोग LHS में लेते हैं। LHS में देखिए लेट कर क्या कर लेते हैं, पाई अपॉन फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया एंड पाई अपॉन फोर माइनस वाई इज इक्वल टू बी। Then what we get? It becomes cos A cos B minus sin A sin B। अब आप देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ये फॉर्मूला होता है cos A cos B in minus sin A sin B। ये फॉर्मूला होता है किसका? cos A plus B का। That means this is equal to cos A plus B। अब हम इसमें पुट कर देंगे और इट बिकम्स कॉस ए के जगह हमने जो लेट किया है दैट मीन्स पाई अपॉन फोर माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन फोर माइनस वाई और इट बिकम्स कॉस। अब देखिए इसमें पाई अपॉन फोर प्लस पाई अपॉन फोर इट बिकम्स पाई अपॉन टू माइनस एक्स प्लस वाई। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा पाई अपॉन टू इज योर 90 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और दिस बिकम्स साइन एक्स प्लस वाई। RHS प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज गिवन हियर? क्वेश्चन नंबर 7th इज गिवन 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स 10 pi upon 4 plus x whole upon 10 pi upon 4 minus x and it must be equal to RHS is given 1 plus 10 x whole squared whole upon 1 minus 10 x whole squared। ये हमें प्रूफ करना। तो हम लोग चलते हैं कहां से? LHS में। हम इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के। इट शुड बी रिटन एज LHS। टेन ए प्लस बी आपका फॉर्मूला होता है बेटा 10 ए प्लस बी के लिए 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4 प्लस 10 एक्स होल अपॉन 1 और यहां प्लस है तो 10 में क्या होता है? प्लस के साथ माइनस होता है, माइनस के साथ प्लस होता है। तो 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10 एक्स, ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर a माइनस 10 a माइनस b का फॉर्मूला दैट मीन्स 10 पाई अपॉन 4। अब यहां माइनस है तो ये माइनस होगा, माइनस का 10 एक्स होल अपॉन 1 प्लस, अब यहां माइनस था तो ये प्लस हो गया 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10 एक्स। ओके, हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 10 पाई अपॉन 4। 10 पाई अपॉन 4 का वैल्यू होता है अपना 1। That means it becomes 1 plus
10 x whole upon 1 plus 10 x upon में 1 minus 10 x हो जाएगा, ये 1 minus 10 x और whole upon ये आपका 10 1 minus 10 x upon यहां पर 1 plus 10 x। अब देखिए हम ये भी जानते हैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, दैट मीन्स 1 प्लस 10 एक्स होल अपॉन 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 10 एक्स और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू 1 माइनस ये यहां प्लस था तो ये प्लस 1 प्लस 10 एक्स होल अपॉन 1 माइनस 10 एक्स। अब देखिए 1 प्लस 10 एक्स 1 प्लस 10 एक्स इट बिकम्स 1 प्लस 10 एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 10 एक्स होल स्क्वायर, यही RHS हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, ये है हमारा 8 क्वेश्चन दे रखा है कि cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi upon 2x is equal to cot square x हमें फाइंड आउट करना। तो ये भी आसान है, हमें दो फॉर्मूला इसमें याद करना। इससे पहले इसको हम साफ कर दें, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये डस्टर, हमारा नेक्स्ट है, रुक जा भाई, हाँ, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है 10 पाई पाई प्लस एक्स और 10 नहीं कॉस पाई प्लस एक्स इनटू कॉस माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन टू प्लस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए LHS में हमें दे रखे कॉस पाई प्लस एक्स, बेटा कॉस प्लस पाई एक्स आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉट पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लिख दूं फॉर्मूला कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक हम यूज करेंगे कॉस माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स और तीसरा यूज करेंगे साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स ये हो गया साइन एक्स और कॉस पाई अपॉन टू प्लस थीटा, कॉस पाई अपॉन टू प्लस थीटा 90 प्लस थीटा तो वो माइनस साइन थीटा होता है एंड cos pi upon 2 plus x that mean minus sin x, ये हमारा यूज करना है फॉर्मूला। नाउ इट बिकम्स LHS क्या बनेगा हमारा cos x pi plus x के जगह हम लोग लिखे हैं इट बिकम्स माइनस cos x इंटू cos x होल अपॉन माइनस ये हो गया ये माइनस है यहां पर तो पहले sin x हो जाएगा प्लस का
इनटू माइनस साइन एक्स माइनस का और इट बिकम्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन होता है अपना कॉट स्क्वायर एक्स. यही हमें आरएचएस में प्रूव करना था. ठीक है, केवल हमें ये फॉर्मूला यूज करना था किसका वैल्यू क्या होगा. क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें दे रखा है क्या कि आपको फाइंड आउट करने को कॉस 3π/2. ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π+x. 2π+x और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई दे रखा है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π+x कॉट और ये इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1. ये हमें प्रूव करना. तो पहले हम लोग LHS में आते हैं. LHS में आप मान लीजिए पहले लेट कर लेते हैं 3π/2 को a मान लिया एंड 2π. अच्छा, एक ही इसी को मान लेने से हमारा बात बन जाएगा, तो हमें सबको लेने की जरूरत नहीं. अगर हम 3π/2 को क्या मान लेते हैं, किसी को भी मान लिया आपने 3π/2 को, तो ये ऑलरेडी हमारा बन जाता है साइन एक्स. या डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख दो, छोड़ो इसको लेने के लिए क्या. ये हमारा बेटा फॉर्मूला होता है कॉस 3π/2 का. ये इज इक्वल टू, ये कॉस 3π/2 का फॉर्मूला हमारा बन जाता है साइन एक्स. या लिख ही दूं कोई दिक्कत ना हो, कॉस 3π/2 + x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स, ताकि दिक्कत समझ में आ जाए. नेक्स्ट हमारा कह रहा है कॉस 2π + x. कॉस 2π + x का मतलब हो गया क्या, 2π में हमारा 360 एक रोटेशन हो गया, तो यानी कि x ही 2π x+. तो कॉस 2π + x इज इक्वल टू कॉस एक्स. ये हो गया. नेक्स्ट अब तो हो गया कॉट, कॉट में भी बदलना होगा. कॉट 3π - 2 कॉस 3π/2 - x ये हमारा हो जाता है क्या, कॉट का 10. कॉट 3π/2 - x इज इक्वल टू होता है 10x. अब ये हमें निकालना कॉट में. दूसरा कॉट 2π + x तो यही सीधा हमारा कॉट एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये 2π एक रोटेशन हो जाता. अब हमारा LHS क्या बन जाएगा बेटा, कॉस 3π + x इसके जगह हम लिख सकते हैं किसको, साइन एक्स इंटू कॉस 2π x होता है हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, ये हो गया 10x इंटू 10x + cot x. ये हमारा LHS बना. अब LHS में हम इसको पुट अप किया, इसको हम खोल देंगे. दिस इज इक्वल टू, यही लिखता हूं मैं, साइन एक्स, ये इंटू है या प्लस का है, आई थिंक इंटू है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 10. तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स. अच्छा लिख ही देता हूं पहले, इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
ये एलसीएम लेंगे तो साइन साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आर एच एस, प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, 9 क्वेश्चन तक। अब अगला जो है 10th टाइप का वो अलग ढंग से है, तब तक के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आते हैं, 10 से आगे प्रोसीड करते हैं। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। देखिए सब्सक्रिप्शन तो जरूरी है, देखिए व्यूज होना चाहिए, आप देखो समझो पढ़ो जो हमें चाहिए, मेन मकसद तो है समझना। और ये समझने में अगर हम ज्यादा लोग इकट्ठा होकर समझेंगे, ज्यादा हम भी मेहनत करते हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है, सब्सक्राइब आप करोगे हमें लगेगा कि हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, और जितने लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे हमारे हमें और करवाने में आनंद आता जाएगा, हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आगे फिर लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाय।